नमस्कार, मैं हूं विनय, आपके साथ देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। आज देवभूमि के दंगल में हम बात करेंगे कब आएगा लोकायुक्त। उत्तराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति ना होने को लेकर समय समय पर तमाम तरह के सवाल उठते आए हैं, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के द्वारा एक ऐसा बयान लोकायुक्त को लेकर दिया गया है जिसके बाद फिर से चर्चाएं जोर पकड़ने लगी हैं। क्या वास्तव में भाजपा संगठन की तरह भाजपा सरकार भी लोकायुक्त को लेकर गंभीर है? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में लोकायुक्त न होने की वजह से भ्रष्टाचार की शिकायतों का निस्तारण जल्द नहीं हो पाता है। इसी को लेकर समय समय पर लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर भी मांग उठती रहती है, लेकिन यह भी सच्चाई है कि 2017 के बाद किसी भी मुख्यमंत्री ने लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर कदम आगे नहीं बढ़ाए हैं। यही वजह है कि लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर जो वादा भाजपा ने 2017 के विधानसभा चुनाव में अपने घोषणा पत्र में किया था, वह आज तक पूरा नहीं हो पाया है। लेकिन अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने एक बयान दिया है कि लोकायुक्त की आवश्यकता महसूस की जा रही है और अभी लोकायुक्त को लेकर जो निर्णय होना है वह विधानसभा स्तर पर होना है। कुल मिलाकर देखें तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का यह बयान इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि इससे पहले कई बार भाजपा के नेता और मंत्री यहां तक कहते हुए नजर आए कि भाजपा की सरकार जीरो टॉलरेंस के नारे के साथ आगे बढ़ रही है और लोकायुक्त की आवश्यकता फिलहाल नहीं है। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के इस बयान के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। लोकायुक्त व विधानसभा की ज्वाइंट कमेटी बनी हुई है, ज्वाइंट कमेटी की रिपोर्ट आने दीजिए। हम आज भी लोकायुक्त के पक्ष में हैं और निश्चित रूप से कमेटी आएगी, उसका आधार पर आपको पूरी जानकारी मिलेगी। वास्तव में सरकार भी लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर गंभीर है। विपक्षी पार्टी कांग्रेस फिर भी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस के पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि प्रदेश में जिस तरीके से कुछ समय से लगातार भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो रहे हैं, उससे लग रहा है कि वास्तव में लोकायुक्त की नियुक्ति उत्तराखंड में होती तो भ्रष्टाचार के मामलों पर कड़े फैसले आ सकते थे। पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने कहा, यदि उत्तराखंड में लोकायुक्त होता तो लोकायुक्त का डर कहे या फिर भ्रष्टाचार पर लोकायुक्त के कड़े प्रहार, भर्ती घपलों में भी इस तरीके के मामले सामने नहीं आते, या फिर आते तो जल्दी से मामले का निस्तारित हो जाते। 2017 में जब बीजेपी की सरकार आई, तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कहा था कि 100 दिन में लोकायुक्त लाएंगे, लेकिन दुर्भाग्य है कि बीजेपी सरकार के 5 साल वो निकल गए। अब दूसरी सरकार भी आ गई लेकिन लोकायुक्त का कोई अता पता नहीं है। 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस सूबे के अंदर बनी थी तो तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 100 दिन के अंदर हम लोकायुक्त लाने का काम करेंगे। दुर्भाग्य है कि 5 साल वो निकल गए और दूसरी सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की बन गई, लेकिन अभी तक लोकायुक्त का कहीं अता पता नहीं। ये सही बात है कि पिछली सरकार के समय लोकायुक्त को सदन के अंदर लाए थे, प्रवर समिति को दिया था, उस प्रवर समिति में मैं स्वयं सदस्य था। प्रवर समिति से तो वापिस आ भी गया है। अब तो ये सरकार पर डिपेंड करता है कि सरकार उस लोकायुक्त को जो है सदन से पारित करवा करके इस प्रदेश के अंदर जो है लोकायुक्त आए। लेकिन भ्रष्टाचार से लड़ने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। लगातार भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही है और मैं समझता हूँ लोकायुक्त होता तो काफ़ी हद तक उस पर अंकुश लग पाता, लेकिन सरकार को भ्रष्टाचार रोकने से जो है कोई सरोकार नहीं है, इसलिए लोकायुक्त नहीं ला रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के द्वारा लोकायुक्त की आवश्यकता को लेकर दिए गए बयान के बाद अब देखना यही होगा कि आखिरकार जिन चर्चाओं को बल लोकायुक्त की आवश्यकता से नियुक्ति को लेकर मिल रहा है, क्या धामी सरकार लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर फैसला लेगी और विधानसभा में लोकायुक्त का जो निर्णय रुका हुआ है वह आगे बढ़ते हुए उस पर सरकार निर्णय लेगी, यही देखने वाली बात होगी।
की न्यूज इंडिया के लिए देहरादून से राजेश वर्मा की रिपोर्ट। तो उत्तराखंड में लोकायुक्त नियुक्ति को लेकर ये हंगामा हो रहा है। और आपको बता दें कि वर्ष 1971 में महाराष्ट्र में, 1973 में राजस्थान में और उसके उपरांत लगभग 20 अधिक राज्यों में लोकायुक्त संस्था की स्थापना हुई है। और ऐसे में लोकायुक्त पर अगर बात करें तो लोकपाल और लोकायुक्त का काम जो है, ये अधिनियम 2013 ने संघ केंद्र के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त संस्था की व्यवस्था की थी। ये संस्थाएं बिना किसी संवैधानिक दर्जे वाले वैधानिक निकाय हैं। हमें ऐसी संस्थाओं की आवश्यकता क्यों है? खराब प्रशासन दीमक की तरह है जो धीरे धीरे किसी राष्ट्र की नींव को खोखला करता है तथा प्रशासन को अपने कार्य पूरे करने में बाधा डालता है। भ्रष्टाचार इस समस्या की जड़ है। अधिकतर भ्रष्टाचार निरोधी संस्थाएं पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। यहां तक कि अगर बात करें तो कई लोगों का आरोप भी लगता आ रहा है कि कई ऐसी संस्थाएं हैं जो पिंजरे की तोते की तरह काम करती हैं मालिक की आवाज पर। इसलिए ऐसी एजेंसियों का काम जो है नहीं हो पाता, जिसके लिए लोकायुक्त को भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा किया जाता है। फिलहाल हमारे साथ देवभूमि के दंगल में अभी शीशपाल सिंह बिष्ट जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र कुमार, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरपी रतूड़ी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। अरुण शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का देवभूमि के दंगल में। अब मैं शीशपाल सिंह बिष्ट जी आपसे जानना चाहूँगा, आखिर कितना भ्रष्टाचार हो रहा है? मतलब धामी सरकार तो लगातार एक्शन ले रही है, आखिर लोकायुक्त की इतनी जरूरत क्या आन पड़ी है? देखिए विनय जी, आपने बहुत ही सुंदर सवाल किया। और आज अगर उत्तराखंड राज्य की स्थिति आप देखेंगे तो राज्य की जनता लगातार सड़कों पर है, बेरोजगार लगातार सड़कों पर है, विभाग जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हुए हैं। और ऐसा कोई विभाग नहीं है इस राज्य के अंदर जहां भ्रष्टाचार चरम पर ना हो। आज राज्य के विकास की गति बिल्कुल रुक सी गई है। और आप देखिए देहरादून, अगर भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अगर मैं एग्जांपल आपको दूं तो स्मार्ट सिटी परियोजना है जो देहरादून स्मार्ट सिटी के नाम पे 1,500 करोड़ रुपया कहां नाली में बह गया आज पता नहीं। आप अगर टॉर्च से भी ढूंढने जाएंगे तो आपको वो रुपया दिखाई नहीं देगा। तो भ्रष्टाचार का इससे बड़ा स्मारक, इससे बड़ा सबूत और इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता। देहरादून शहर की कोई ऐसी गली सड़क नहीं होगी खुदी हुई कि जहां से आप गुजर सकें, गाड़ियां निकल सकें। और बरसात के दिनों में तो गाड़ियां ही बह जा रही थी। अव्यवस्थाओं का बोलबाला पूरे शहर के अंदर है। और जहां पर इन्होंने टाइल्सें लगाई सौंदर्यकरण के नाम पे, 15 दिन में ही वो सब उखड़ गई है। आप गांधी अकेले परेड ग्राउंड को ही आप देख लीजिए, परेड ग्राउंड का बिल्कुल ढांचा ही बिगाड़ दिया गया है। और तमाम आप यहीं पर शहर के जितने भी आप अगर फुटपाथ आप देख लेंगे तमाम, तो आपको ये लगेगा कि स्मार्ट सिटी परियोजना के नाम पर ये शहर अव्यवस्थाओं का अड्डा बन गया है। और यहाँ पर लगातार कार्रवाई के नाम पर मंत्री सड़क पर उतरते हैं, मुख्यमंत्री भी समीक्षा की बात करते हैं लेकिन धरातल पर कुछ सुधार दिखाई नहीं देता। इसका मतलब है कि अधिकारी अगर नहीं सुन रहे हैं, जो काम करने वाली कंपनियां नहीं सुन रही हैं, इसका मतलब उन्होंने इन सभी को लाभान्वित किया है। तो भ्रष्टाचार का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है यहाँ पर। और तमाम आप अगर देखेंगे अभी तमाम बड़े नेशनल हाईवे जो बह गए, तमाम यहाँ पर पुल टूट गए, तमाम फ्लाईओवर टूट गए, भैया ये भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का तो आप देखिए यूके ट्रिपल ईसीसी 2017 से लेकर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है। हर परीक्षा में जो है बेरोजगारों की नौकरियां बेचे जाने के आरोप है, पेपर लीक करने के आरोप है। तो इस राज्य के अंदर आप यहाँ पर सहकारिता विभाग में देख लीजिए विनय जी कि लगातार अभी तक जो है आरोप लगते रहे हैं कि यहाँ पर नौकरियां बेची गई हैं, ये भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सबूत है। टोटल उच्च शिक्षा में तो चाहे ओपन यूनिवर्सिटी आप लीजिए, चाहे वो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय लीजिए, चाहे आप तकनीकी विश्वविद्यालय लीजिए, सभी जगह जो है भ्रष्टाचार के इतने आरोप हैं कि गिनवाने मुश्किल हैं। तो इस राज्य के अंदर कोई सुनने वाला नहीं है। विपक्ष और जनता लगातार संघर्ष कर रही है, बेरोजगार संघर्ष कर रहे हैं लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब वो निर्माण कार्य हो, चाहे वो नौकरियों के मामले हो, चाहे वो विकास के कार्य हो, सभी जगह भ्रष्टाचार चरम पर है। इसीलिए यहाँ पर एक सशक्त लोकायुक्त की मांग लगातार विनय जी उठती रही है। और आपको याद दिला दूं कि
जिस घोषणा के साथ ये चुनाव में जनता के बीच गए थे 2017 में, इन्होंने कहा था 100 दिन में हम यहाँ पर सशक्त लोकायुक्त लेकर आएंगे। आज दूसरी बार, वो पिछला कार्यकाल तो इनका समाप्त हो गया, अब दूसरी बार इनको जनादेश मिलके फिर सत्ता में है और लोकायुक्त की कहीं दूर दूर तक कोई वो नहीं है कि किस चिड़िया का नाम लोकायुक्त है। तो यहाँ पर भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए कसने के लिए ना तो सरकार में और न सरकारी कर्मचारियों में, मातहतों में, न ठेकेदारों में किसी को कोई भय है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर लोकायुक्त की बहुत सख्त आवश्यकता है। विनय जी, जी मीनाक्षी जी, अगर बात करें लोकायुक्त को लेकर, विपक्ष मांग कर रही है जैसा कि शिषपाल जी ने भी कहा, लेकिन कई जगह यह भी आरोप लगे हैं कि बिना, ये जो शेर है बिना नाखून का शेर है, तो ऐसे में क्या पारदर्शिता तब आपको लगता है कि नजर आएगी लोकायुक्त की नियुक्ति करने के बाद? जी बिल्कुल, देखिए लोकायुक्त बेसिकली जब लोकायुक्त अधिनियम पारित हुआ था उस समय पर भी जो उत्तराखंड है उसमें भ्रष्टाचार का काफी बोलबाला था। जब से उत्तराखंड बना है तभी से भ्रष्टाचार यहाँ पे तो खैर चरम सीमा पे है ही, लेकिन हम देखेंगे कि भाजपा के शासन में ये पारित हुआ था इसका अधिनियम, लेकिन 2012 में कांग्रेस ने इसको इस पे बदलाव कर दिया, इसमें संशोधन कर दिया था और 180 दिन में जो इसे लागू करने की शर्त थी उसको हटा दिया गया था। तो क्योंकि कांग्रेस के टाइम पे भी ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ था, घोटाले नहीं हुए थे, उस टाइम पे भी बहुत भ्रष्टाचार और घोटाले हुए थे। आज चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कांग्रेस कर ले, लेकिन कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियां नहीं चाहती कि लोकायुक्त आए, और क्योंकि जिस तरह से भ्रष्टाचार की बातें हो रही है, जिस प्रकार से हमारे उत्तराखंड के अंदर जिस प्रकार से घोटाले हो रहे हैं, इस विधेयक के अंदर जो इसके अंदर बेसिकली मुख्यमंत्री, मंत्री, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष हो, अधिकारी हो, किसी के भी खिलाफ अगर शिकायत आती है तो इसको वो सारे इसके जांच के दायरे के अंदर आते हैं। तो आप देखिए कि आखिर क्यों कोई चाहेगा कि हमारे भ्रष्टाचार जो है वो उजागर हो जाए, क्योंकि शिकायतें तो बहुत है जो कि हम लोग देख रहे हैं, एक लंबी फेहरिस्त इनके खिलाफ चल रही है, तो शिकायतें बहुत है, तो कहीं ना कहीं नहीं चाहते हैं कि लोकायुक्त आए, क्योंकि लोकायुक्त आने पर इनका, इनके सभी के ऊपर गाज गिरेगी, और चाहे वो भाजपा की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, किसी ने भी अपने तरफ से सफल प्रयास इसको लागू करने के लिए नहीं किए। जी बिल्कुल, अरुण शर्मा जी क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से मीनाक्षी जी ने कहा कि आप लोग तो चाहते ही नहीं कि लोकायुक्त आए। देखिए अगर हमारे शिषपाल भाई और मीनाक्षी जी बैठे हैं, इनको याद हो कि खंडूड़ी जी के टाइम पे लोकायुक्त बनाया गया था, और गिल्डियाल जी पहले लोकायुक्त उत्तराखंड के पहले भी और अब तक के अंतिम भी हुए हैं, और उस टाइम तमाम शिकायतों पर उन्होंने सुनवाई की थी। और एक चीज और महत्वपूर्ण मैं आपको बता दूं कि लोकायुक्त अधिनियम ये कहता है कि अगर कोई किसी की शिकायत कर रहा है तो उसके साथ साथ एक एफिडेविट देगा कि वो सत्य बोल रहा है, सत्य कह रहा है, सत्य लिख रहा है, और उसके साथ साथ पूरे तथ्यों को देना पड़ता है, तभी वो शिकायत दर्ज होती है। लेकिन चूंकि लोकायुक्त के अगर लोकायुक्त लागू होगा तो उसके दायरे में तो मुख्यमंत्री से लेके नौकर साहब तक तमाम लोग आ जाएंगे, उसमें चाहे मंत्री हो, अधिकारी हो, सब आ जाएंगे। तो भाई ईमानदारी की बात तो यह है, नहीं वही मैं कह रहा हूँ, ईमानदारी की बात तो यह है कि वो नहीं चाहते कि उनको कहीं घेर लिया जाए, इसीलिए तमाम घोषणा पत्रों के बावजूद लोकायुक्त ना तो बीजेपी की सरकार में उसके बाद आया खंडूड़ी जी के कार्यकाल के बाद, और ना कांग्रेस की सरकार में आया। देख लीजिए कांग्रेस की भी एक सरकार 5 साल गुजार कर चली गई, बीजेपी की तो 2 सरकारें उसके बाद हो गई, और किसी ने भी, देखिए घोषणा पत्र में शामिल करना एक बात है, धरातल पे उतारना दूसरी बात है, और किसी भी पार्टी ने इस मामले में गंभीरता नहीं दिखाई। और तो और विनय जी अगर आपको याद हो, केंद्र में भी कोई लोकायुक्त नहीं लंबे समय से, ये भी तो बात है जी। कौन भैया, कौन बिल्ली के गले में हड्डी बांधना चाहता है ये तो बता दीजिए, कल आप घिर जाएंगे, ऐसा कौन चाहता है कि मैं घिर जाऊं? अभी तो आपके पास ईडी है, सीबीआई है, किसी को घेर लीजिए, लेकिन अगर लोकायुक्त आ गया तो आप भी घिर जाएंगे उसमें। लेकिन अरुण जी ये भी तो अभी तक आरोप लगते आए ना, जहां पे लोकायुक्त है ये भी तो आरोप लगते आए ना कि ये जो शेर है बिना नाखून के। नहीं देखिए एक चीज मैं आपको बता दूंगी ना जी, लोकायुक्त में अगर शिकायत कोई करता है
और वो तथ्य सही नहीं पाए जाते तो लोकायुक्त को उस आदमी के खिलाफ मुकदमा करके जेल भेजने का भी अधिकार है। बिल्कुल है, बिल्कुल इसने शिकायत की है। देखिए तो वो दोनों चीजें हैं, शिकायतकर्ता के लिए भी कड़े कानून है और जिसकी शिकायत हो रही है अगर वो तथ्य सही पाए जाते हैं तो उसके लिए भी कानून है। और कोई फंसना नहीं चाहता इसलिए लोकायुक्त जैसी संस्था को कोई अपने यहाँ लागू भी नहीं करने दे रहा है। कर कहाँ रहा है ये तो बता दीजिए। आपने बहुत सही सब्जेक्ट पे डिबेट रखी है और मेरी बात से सारे पैनलिस्ट बिल्कुल सहमत होंगे, चाहे बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो या और हो, कि कोई कोई अपने गले में घंटी नहीं बनवाना देना चाहता क्योंकि घंटी बनेगी तो कहीं तो आवाज आएगी। बिल्कुल, वो इंटरनल ट्रांसपेरेंसी जो है वो काफी निकल कर बाहर आ जाएगी। वो कहने के लिए है लेकिन वो दिखाई ना दे। बिल्कुल, अगर दिखाई देगी तो पोल ढोल की पोल खुल जाएगी, ये भी समझ लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ आरपी रतूड़ी जी भी हैं, आएंगे आपके पास अरुण जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आरपी रतूड़ी जी, क्या आपका कहना है, क्योंकि लगातार विपक्ष भी इस चीज को लेकर कह रहा है कि मांग जरूरी है लोकायुक्त को आना और आप भी विपक्ष में हैं, तो ऐसे में आपका क्या कुछ कहना है इस बात को लेकर कि क्यों जरूरी है, क्या इससे भ्रष्टाचार पर पूरी तरीके से रोक लग पाएगा, जो सरकार जिस चीज पे रोक नहीं लगा पा रही है, क्योंकि लगातार जैसा कि शीशपाल जी ने कहा कि यूके ट्रिपल एससी पर भी भ्रष्टाचार हुआ है, तमाम तरीके के जो भ्रष्टाचार हुए हैं उन पर ये रोक लगाई जा सकेगी। कोई बात नहीं, उनसे हम संपर्क करेंगे, शायद हमारा कनेक्शन उनसे भी टूट गया है। शीशपाल जी, आप कुछ कहना चाहते थे, अपनी बात रख सकते हैं। देखिए विनय जी, यहाँ पर मीनाक्षी जी ने भी कहा और अरुण जी ने भी कहा कि जो है खंडूर जी की सरकार में लोकायुक्त आया था, और मैं बिल्कुल खंडूर जी की सरकार में लोकायुक्त आया था, लेकिन वही जो बिना नाखून का शेर जो था उसको कांग्रेस की सरकार में जो है नाखून पहुंचा पहनाने का काम किया, और दो बार आदरणीय हरीश राव जी की सरकार में इसको महामहिम राज्यपाल को जो है मंजूरी के लिए भेजा गया, लेकिन वहां से ये उसको मंजूरी नहीं मिल पाई और लोकायुक्त उस समय लागू नहीं हो पाया। लेकिन आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में त्रिवेंद्र रावत जी के दौर में ये विधानसभा के अंदर रखा भी गया, इस पर पूरी तरह से चर्चा भी सभी हुई, ये प्रवर समिति को भी वहां पर सौंपा गया, और प्रवर समिति से आने के बाद आज ये 6 साल से विधानसभा की संपत्ति के रूप में वहां पड़ा हुआ है, उस पर ये लागू क्यों नहीं किया जा रहा, ये बड़ा सवाल है। अब आप ये बताइए, तो इसको उन्होंने इस प्रकार का एक एसिड मान लिया कि यहाँ पड़ा रहेगा। तो और दूसरी बात विनय जी, कि इन 6 सालों में पिछले कार्यकाल में अब तक 13 करोड़ रुपया इस पे लुटाया जा चुका है, इसके रख रखाव पे, इसके कर्मचारियों के जो वहां पर वेतन भत्ते तमाम मामलों पे, लेकिन ये एक सफेद हाथी बनकर रह गया है। अगर इसका उपयोग नहीं होगा, सदुपयोग नहीं होगा, अगर इसको तमाम अधिकार संपन्न नहीं बनाया जाएगा और काम नहीं दिया जाएगा तो उसका कोई फायदा नहीं, ये सफेद हाथी है राज्य की। शीशपाल जी, सरकार तो आपकी भी रही है ना उत्तराखंड में, आपकी भी सरकार रही है, आपका भी कार्यकाल रहा है, तो आपके कार्यकाल में इसको लेकर आपने कहा कि मंजूरी, आखिर क्यों मंजूरी नहीं मिल पाई थी, क्या दिक्कतें आ गई थी इसको लेकर? विनय जी, मैं इसका जवाब दे चुका हूं कि इसको तमाम नाखून पहनाने के बाद, धारदार बनाने के बाद महामहिम राज्यपाल की मंजूरी के लिए एक बार नहीं, दो दो बार भेजा गया। सीधा सीधा है कि भारतीय जनता पार्टी के राज्यपाल थे और अब आप समझ सकते हैं किन कारणों से उसको मंजूरी उस समय नहीं मिली होगी, मैं वो यहाँ पर सीधे सीधे नहीं कहना चाहता, आप स्वयं जानते हैं, आप बहुत जिम्मेदार एंकर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो राजनीतिक कारण जो रहे हो, लेकिन आज क्या मजबूरियां हैं कि डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार कही जा रही है, दूसरा कार्यकाल इनको मिला है, भाई अब क्या मजबूरी है, अब तो कम से कम अपने 100 दिन के वादे को अब 100 दिन में पूरे नहीं कर पाए तो कम से कम 6 साल बाद तो कम से कर देना चाहिए। विपक्ष मांग कर रहा है, प्रदेश की जनता मांग कर रही है, मीडिया में लगातार आवाज उठती रही है और ये बहुत आवश्यक भी है और जरूरी भी है। अगर आप जीरो टॉलरेंस की सरकार अपने आप को कहते हैं, भले ही आपने राज्य को जीरो कर दिया हो, तो आपको लागू करने में दिक्कतें नहीं होनी चाहिए विनय जी, इनको करना चाहिए, ऐसी हम मांग करते हैं। बिल्कुल मीनाक्षी जी, शायद आपके सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा, शीशपाल जी ने जवाब दे दिया है। आप जिस तरीके से बोल रही थी कि कांग्रेस का भी कार्यकाल था, बीजेपी का भी है, दोनों सरकारें नहीं चाहती थी इसको लेकर, तो आप क्या कहना चाहेंगे आप? अभी तो जैसा कि हम जानते हैं कि देखिए कांग्रेस का इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि कांग्रेस तो ठीक है, बहुत भ्रष्टाचार हुए थे, उन्होंने 180 दिन का जो लागू करने का उसमें
जो नियम था उसको उसको संशोधित कर दिया गया कर दिया उन्होंने, तो कहीं ना कहीं ये उनकी भी कोशिश थी कि कांग्रेस के नेताओं को किस प्रकार से बचाया जाए। लेकिन उसके बाद देखिए, ठीक है, कांग्रेस को हटा दिया गया क्योंकि जो सरकार है जो जीरो टॉलरेंस की बात करते करते, लोकायुक्त की नियुक्ति की बात करते करते सरकार में आई थी 2014 में, उसके बाद उस पर कोई कार्यवाही नहीं की। उसके बाद फिर से 2019 में फिर से वही शगुफा कि लोकायुक्त आएगा, लोकायुक्त की नियुक्ति होगी, उसके बाद फिर उसके बारे में कोई बात नहीं। क्योंकि जिस प्रकार से आज उत्तराखंड की स्थिति हो गई है, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हर एक नेता भ्रष्टाचार के अंदर विलुप्त है, हर अधिकारी जो है वो भी उसका कमीशन इन चीजों के अंदर बंधा हुआ है, जो भी सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, ये जितनी भी चीजें आज उत्तराखंड के अंदर हो रही हैं, इसमें भ्रष्टाचार इतना ज्यादा सम्मिलित हो चुका है और ये जो अधिकारी नेतागण ये सब इतने ज्यादा इसमें संलिप्त हो चुके हैं कि पूरी की पूरी ये जो पूरी सरकार है उसकी वो पूरी हिल जाएगी। और इसी यही कारण है कि लोकायुक्त पे कोई बात नहीं हो रही है। और अगर हम लोग नोटिस करें तो कई सामाजिक लोग जो हैं वो इस लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए आवाज उठा रहे हैं, लगातार धरने दे रहे हैं, लेकिन अभी भी सरकार की कान पे जू नहीं रेंग रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग देख रहे हैं कि इनको अभी सत्ता, अपने सत्ता पे कोई डर नहीं महसूस हो रहा है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि हम चाहे कुछ भी करें लेकिन हमारी सत्ता बरकरार रहेगी, क्योंकि हम किसी एक चेहरे पे खेल रहे हैं। जैसा कि हम सभी लोग देखते हैं कि एक ही चेहरे पे बात होती है, तो इन्हें सबको पता है कि हम लोग एक चेहरे पे खेल रहे हैं, हमारी सत्ता पे अभी कोई ऐसा असर होने वाला है नहीं। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आज उत्तराखंड के लोगों के लिए, जो उत्तराखंड की आम जनता है, जिनकी आवश्यकता है, जो बेरोजगार युवक है उनके लिए जो आवश्यकता है, क्योंकि भ्रष्टाचार ने उनका रोजगार छीन लिया है। भ्रष्टाचार के ही कारण आज जो लोगों का सड़कें प्रॉपर तरीके से नहीं बन पा रही हैं, पुल जो ढंग से बन पा रहे हैं, ये सब भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है। आज हम देखेंगे कोई भी टेंडर निकल जाए तो उस टेंडर के अंदर कमीशन बंधे होते हैं हर किसी के, कि किसको वो टेंडर जाना है उसमें कमीशन बंधे हुए हैं। तो ये सारी चीजें जो है, इन सबको हटाने के लिए हमें लोकायुक्त की बहुत आवश्यकता है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि ये जो दोनों ही सरकारें, ये इसको लोकायुक्त की नियुक्ति किसी भी हालत में नहीं करेंगी, क्योंकि दोनों ही पार्टियों में हम लोगों ने देखा है कि किस तरह के नेता। ठीक है मीनाक्षी, आपके पास आएंगे, हमारे साथ आरपी रतूड़ी जी हैं आम आदमी पार्टी से। रतूड़ी साहब, क्या लोकायुक्त की नियुक्ति कर देने से जो ये पारदर्शिता है वो देखने को मिलेगी? भ्रष्टाचार के लिए विपक्ष में कई लोगों ने ये बात रखी है कि अगर ये लोकायुक्त नियुक्त किए जाएंगे तो तमाम तरीके के जो भ्रष्टाचार हैं, चाहे वो सड़क निर्माण को लेकर हो, चाहे वो भर्तियों को लेकर हो, इस पर रोक लगेगी। रतूड़ी साहब, मेरी आवाज आ रही है आप तक? कोई बात नहीं, हम आरपी रतूड़ी साहब से बात करेंगे, लेकिन अभी यहां पर देवभूमि के दंगल में ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में हम चर्चा करेंगे। खबरों का सारथी, हर कदम नए आयाम गढ़ रहा है, हर रोज उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। इस साल 45 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने चार धाम यात्रा का सुख पाया। विकास एवं पुनर्निर्माण के क्षेत्र में केदारनाथ धाम में 750 करोड़ और बद्रीनाथ धाम में 550 करोड़ रुपए के कार्य चल रहे हैं। रेल, रोड, रोपवे और उड़ान की मदद से यात्राएं और जनजीवन हुआ आसान। 35,000 करोड़ रुपए का निवेश बताता है कि उद्योगों की पहली पसंद बन गया है उत्तराखंड। स्टार्टअप श्रेणी में लीडर बन गया है उत्तराखंड। नंदा गौरा योजना में 82,000 बालिकाओं को 332 करोड़ रुपए का भुगतान व 7 लाख से अधिक घरों में पानी के कनेक्शन से जीवन
हुआ आसान। सिर्फ यही नहीं, राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा 7,000 पदों पर शीघ्र भर्ती, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के तहत 1267 करोड़ रुपए की लागत के 9.7 किलोमीटर लंबे गौरीकुंड केदारनाथ रोपवे व 1163 करोड़ रुपए की लागत के 12.40 किलोमीटर लंबे गोविंद घाट हेमकुंड साहब रोपवे का हुआ शिलान्यास। नजीबाबाद अफजलगढ़ बाईपास पर चल रहे कार्य से कुमायूं गढ़वाल की दूरी होगी 20 किलोमीटर कम। बिजली से वंचित गांव का शत प्रतिशत विद्युतीकरण इस बात के साक्षी है कि उत्तराखंड का विकास हर दिन दुगनी रफ्तार से हो रहा है और हर वर्ग के इंसान को इसका फायदा पहुंच रहा है। ना रुका है ना रुकेगा उत्तराखंड, हर रोज आगे बढ़ेगा। संकल्प नए उत्तराखंड का। प्रतिशत शुद्ध कच्ची घानी का बावर्ची सरसों का तेल, बावर्ची खिलाइए सबको रिझाइए। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। आखिर कब आएगा लोकायुक्त उत्तराखंड में, यही विपक्ष भी सवाल कर रहा है। अगर लोकायुक्त की बात करें तो लोकायुक्त सचिवालय के कामों एवं वित्तीय प्रशासन को संचालित करने का काम करता है। कहीं भी किसी तरह का भ्रष्टाचार हो उस स्थिति में लोकायुक्त उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करता है या वह किसी सक्षम अधिकारी को भी वहां नियुक्त कर सकता है, जिसको लेकर लगातार ये विपक्ष भी मांग करता आ रहा है। और विपक्ष का कहना है कि ये लोकायुक्त का अभी तक इनकी नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही है। फिलहाल इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ पैनल में तमाम लोग मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं। अरुण शर्मा जी हमारे साथ हैं, मीनाक्षी जी हैं, आरपी रतूड़ी जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ हैं, रवीन कुमार प्रवक्ता बीजेपी, शिषपाल सिंह बिष्ट जी हमारे साथ हैं। तो यहाँ पर अरुण शर्मा जी आपसे मैं जानना चाहूँगा कि क्या अगर लोकायुक्त की नियुक्ति कर दी जाएगी तो जो ये विपक्ष के सवाल हैं भ्रष्टाचार को लेकर और जो तमाम भ्रष्टाचार की बातें भी सामने आ रही हैं निकलकर, यूके 666 का मामला हो, विधानसभा भर्ती घोटाले की बात हो, जबकि इसके लिए SIT भी गठित कर दी गई है, इस पर जांच भी की जा रही है, कई लोगों पर इस पर एक्शन भी लिया गया है और हाईकोर्ट का भी फैसला आया था विधानसभा भर्ती को लेकर, आपको तो पता ही होगा। तो लेकिन क्या लोकायुक्त की नियुक्ति के बाद इन तमाम चीज़ों पर रोक लगेगा और जो विपक्ष का सवाल है वो उतना नहीं आएगा? नहीं देखिए विनय जी, इसमें दोनों चीजें हैं। अगर लोकायुक्त की नियुक्ति हो गई, मान लिया जी, तो उसमें तो फिर ये तो है नहीं कि वो कोई टाइम बाउंड हो, वो तो जो भी भ्रष्टाचार के आरोप जिस भी सरकारों में रही हो उनके ऊपर जो लगे होंगे, तो जो व्यक्ति भी उस तथ्य के साथ लोकायुक्त के पास जाएगा उसकी जांच होगी, चाहे वो प्रेजेंट में सरकार में हो या पुराना सरकार में रहो, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन वही डर है, मुझे ये लगता है कि ये सब मिली भगत है। देखिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों इस प्रदेश में सरकारें चला चुकी हैं, दो बार कांग्रेस की सरकार रही है, तीसरी बार भाजपा की सरकार चल रही है। निर्वाचित सरकारों की बात कर रहा हूं, अंतरिम सरकार की बात नहीं कर रहा हूं। तो अगर लोकायुक्त नियुक्त हो जाता है तो भ्रष्टाचार के आरोप तो तमाम लोगों पे है जो पुरानी सरकारों में भी रहे हैं, चाहे वो भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, तो आरोप के घेरे में तो सारे ही आएंगे। तो ये कहना तो मेरे ख्याल से सही नहीं होगा कि लोकायुक्त नियुक्त हो जाएगा तो केवल सरकार जो प्रेजेंट सरकार है वो गिरेगी, पुराने भी तमाम लोग गिरेंगे, क्योंकि पुराने बहुत सारे मामले हवा में तैरते रहते हैं, अखबारों की सुर्खियां बनते रहते हैं,
लेकिन क्योंकि कोई सक्षम संस्था नहीं है तो मजबूरी में लोगों को कोर्ट जाना पड़ता है, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, और तमाम ऐसे निर्णय हैं जो सरकारों के खिलाफ आए हैं कोर्ट के, जिसके बाद सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा है। तो वो कोई सी सरकार हो, तो इसी वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, बिल्कुल यहाँ पर रोकना चाहेंगे, बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि T20 वर्ल्ड कप जीतने का भारत का सपना टूटा है। जहां पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा, वहीं अब सेमीफाइनल में भारत की शर्मनाक हार हुई है। 10 विकेट से भारत इंग्लैंड से हारा है। तो आपको बता दें कि सेमीफाइनल में इंग्लैंड से भारत हार गया है। इंग्लैंड के बीच अब पाकिस्तान का मुकाबला होगा, फाइनल मुकाबला इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच होगा। तो भारतीय प्रशंसकों के लिए एक दुखद खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर सेमीफाइनल में भारत की शर्मनाक हार हुई है। जहां पर सेमीफाइनल मैच इंग्लैंड से भारत 10 विकेटों से हार गया, जहां पर पहली पारी में इंडिया ने बैटिंग करी थी टॉस हार के, और इंग्लैंड जो है वो दूसरी पारी में अभी जीत गया है। विश्व कप जीतने का भारत का सपना टूटा, और साथ ही साथ भारतीय प्रशंसकों की भी उम्मीदें टूट कर बिखर गई हैं। काफ़ी प्रशंसक निराश दिख रहे हैं विश्व कप सेमीफाइनल में भारत की इस हार के बाद। आपको बता दें, विश्व कप जीतने का भारत का ये सपना टूट गया है, भारतीय प्रशंसकों की उम्मीदें भी टूट गई हैं। जहां लगातार टकटकी लगाए सुबह से प्रशंसक बैठे थे, कल रात से ही लोगों ने उम्मीद जताई थी, लोगों ने पूजा अर्चना करना शुरू कर दी थी, मन्नतें मांगना शुरू कर दी थी कि भारत सेमीफाइनल मैच जीते और पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मैच में भी जीते, लेकिन वो उम्मीदें अब टूट चुकी है। आपको बता दें कि इंग्लैंड से भारत मैच बुरी तरीके से हार चुका है। T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में भारत की शर्मनाक हार हुई है, जहां पर इंडिया ने 168 रन बनाए थे 6 विकेटों पर, वहीं पर इंग्लैंड ने 170 रन बनाए। तो हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट संदीप पांडे जी जुड़ चुके हैं। संदीप जी, सवाल यह है कि जिस तरीके से उम्मीदें जताई जा रही थी, जिस तरीके से भारत का एक अच्छा प्रदर्शन रहा, जहां पिछले मैचों में विराट कोहली की बात करें, सूर्य कुमार यादव की बात करें, ताबड़तोड़ बैटिंग हुई, क्या कमी रह गई या आखिर क्या वजह रही आज के इस शर्मनाक हार के पीछे? देखिए, वजह तो क्या कहें, ओवरऑल मुझे लग रहा है कि हर जगह प्रॉब्लम थी, बट जो सबसे बड़ा इशू था वो ये था कि विकेट पे टॉस पहले बैटिंग करने के बाद हम एक कम्पिटिटिव टोटल ही नहीं खड़ा कर सके। बार बार लगातार ये मैच शुरू होने से पहले बात हो रही थी कि ये मुकाबला भारत की बल्लेबाजी वर्सेस इंग्लैंड की बल्लेबाजी का है, क्योंकि जिस तरह का फ्लैट विकेट था शुरू से ही सभी लोग अंदाजा लगा रहे थे 190 से 200 रन के आसपास का स्कोर इस विकेट पे बनना चाहिए था। तो जिस तरह से शुरुआत हुई भारतीय बल्लेबाजी की, मुझे लग रहा है वो शुरू में ही 25-30 रन पीछे रह गए, और उसके बाद जिस तरह से गेंदबाजी हुई दूसरे हाफ में, पहले ही भुवनेश्वर कुमार ने बहुत बाहर विकेट के बॉल डाला, चूंकि बटलर बल्लेबाजी करते हैं थोड़ा सा क्रीज में हिलते ज्यादा है, इस वजह से विकेट कीपर ऊपर आ गया और वो रिस्ट्रिक्ट हो गए, वो बॉल स्विंग नहीं करा पाए, तो गेंदबाजी भी थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ रही, ऊपर बॉल नहीं डाल पाए जिससे बॉल स्विंग नहीं हुई, और एक बार 10-12 बॉलें निकल जाने के बाद, देखिए ड्यूप का बॉल है, व्हाइट बॉल है, वो ज्यादा स्विंग होता नहीं, नजरें जम गई थी। लगातार पिछले मैचेस में बटलर का बल्ला खामोश था, 2-4 बॉलिंग चाहिए थी बल्ले में लगने के लिए, और एक बार फॉर्म में आए तो पीछे मुड़ के दिखा। तो मुझे लग रहा है शुरुआत से ही सब कुछ जो है इंडिया के फेवर में रहा नहीं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप पांडे जी हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातें बताने के लिए। तो हमारे साथ टूर क्रिकेटर मनोज यादव जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी। आज जो ये मैच रहा इंडिया इंग्लैंड का, अगर बात करें, इंडिया ने 168 रन बनाया, इंग्लैंड 170 रन बना ली, एक भी विकेट नहीं चटकाया गया, जबकि मोहम्मद शमी, अक्षर पटेल जैसे बॉलर से बड़ी उम्मीदें थी। लेकिन मनोज जी, ऐसा क्या रहा जिस वजह से, क्या इन्होंने, इनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव आ गया था, पहले से ही बहुत प्रेशर में आ चुके थे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो मैच हुआ, एक तो ये एडिलेड ओवल में जो मैच है, ये हाई स्कोरिंग रन का ग्राउंड है, विकेट है जी। और इंडिया जो इंग्लैंड के बोलर स्पिनर्स ने जो बोलिंग की, और वो भी आपको पहले 5 ओवर के अंदर,
और भारत की बैटिंग वहीं पर स्लिप कर गई। आप मैच पहला जो फर्स्ट जो आपका रॉन्ग मूव किया, जहां से कि एक मोमेंटम बनना चाहिए था, वो मोमेंटम नहीं बन पाया। और उस मोमेंटम नहीं बन पाने के कारण से, हालांकि हार्दिक पांड्या ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग्स खेली जिस कारण से भारत 168 तक पहुंच गया, अदरवाइज अगर वो इनिंग्स नहीं खेल आती तो मुझे लगता है कि भारत 120 रन तक पहुंचना, 120-30 पहुंचना मुश्किल था, क्योंकि भारत ने मोमेंटम खो दिया था मैच के शुरुआत में जी। तो इसके बावजूद भी जब भारत 168 पहुंच गया, अब दिक्कत ये थी कि भारत की बॉलिंग की जो शुरुआत हुई, मुझे लगता है कि जिस तरह से बटलर बैटिंग करते हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था कि जो भी बॉलर स्विंग करा सकता है उसको कंटिन्यूअस बॉलिंग आप कराएं, चांस वो डेफिनेटली लेगा उसके अगेंस्ट में। तो आपको अर्शदीप को और एक ओवर कराना चाहिए था, आपको शुरुआती ओवर में उसको एक ओवर करके आपने हटा दिया। दूसरा है कि जो हमारे बॉलर्स ने इनिशियल जो नए बॉल से जो गेंदबाजी की वो स्टंप्स के बहुत बाहर किया। आप स्विंग बॉल करते हैं, T20 क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर आप स्टंप्स में बॉल नहीं रखेंगे, वहां से मूव नहीं कराएंगे और उसको जगह देंगे तो वो बहुत इजीली स्कोर कर जाएगा। तो उन्होंने मोमेंटम गेन किया शुरुआत के ओवर से, हमारे बैट्समैन ने मोमेंटम गेन नहीं किया। उनके स्पिनर के अगेंस्ट में हमारी बैटिंग, ये फर्स्ट पॉइंट था जहां कि हम मैच को लूज किए। सेकंड, हमारे फास्ट बॉलर्स का सही ढंग से रोटेशन, मुझे लगता है ढंग से बॉलिंग का रोटेशन नहीं हो पाया, जहां पर कि हम मैच मोमेंटम बना पकड़ ही नहीं पाए। तो ये दोनों ही जगह शुरुआत में ही हम मैच को हार गए, चाहे अपनी बैटिंग की बात करें चाहे अपनी बॉलिंग की बात करें। क्या बॉलर के ऊपर भी प्रेशर था, जैसे कि भुवनेश्वर कुमार ने बॉलिंग की, अर्शदीप ने भी बॉलिंग की, अक्षर पटेल ने भी बॉलिंग की, मोहम्मद शमी ने भी 3 ओवर किए 39 रन दिए, रविचंद्रन अश्विनी ने भी 2 ओवर किए 27 रन दिए, हार्दिक पांड्या ने भी बॉलिंग की 3 ओवर 34 रन दिए, इतने सारे बॉलर थे उसके बावजूद भी एक भी विकेट नहीं गिर पाया और इतनी बड़ी पार्टनरशिप कर दी एलेक्स हेलस ने और जॉस बटलर ने, तो इसकी वजह क्या रही है? क्या बॉलर भी आज बहुत प्रेशर में रहे थे? आप अगर पूरे मैच को एनालाइज करेंगे तो भारत की फील्डिंग को आप ध्यान से देखिए, जैसे ही बटलर बैटिंग करने आए विकेट कीपर ऊपर आकर विकेट कीपिंग करने लगा। दैट मींस कि आप पहले से आप उनकी जो स्ट्रेंथ है कि वो पैदल चलकर मारते हैं बटलर जी, तो आप उनके स्ट्रेंथ के हिसाब से आपने सोचना शुरू किया कि भाई उसकी स्ट्रेंथ कहां पर है, उसको कैसे रोकेंगे। आपने ये प्लानिंग नहीं की कि आपके बॉलर के स्ट्रेंथ क्या है, मैं अपने स्ट्रेंथ पर खेलूंगा, उसका क्या स्ट्रेंथ है उसको, उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप भारत की प्लानिंग देखो तो आप उनके बैट्समैन के स्ट्रेंथ पर प्लान अपना करना शुरू किया। आप आ गए विकेट कीपर ऊपर आ गया, तो जो बॉलर जिस तरह से रिदम में बॉलिंग करेगा, अब वो बॉलर जो विकेट पर बॉल कर विकेट से स्विंग करना है वो बाहर से स्विंग करने लगा। तो ये सभी चीजें आप उसके बैट्समैन ने आपको ट्रैप पर डाला। बिल्कुल 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 मनोज जी बिल्कुल, आज जो ये शर्मनाक हार हुई है कहीं ना कहीं एक दबाव भी मुझे नजर आया। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देवभूमि के दंगल में हम चर्चा कर रहे हैं लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर, और हमारे साथ तमाम लोग पैनल में मौजूद हैं। शीशपाल बिष्ट जी हमारे साथ हैं, रविंद्र कुमार प्रवक्ता बीजेपी पी, आरपी रतूड़ी प्रवक्ता, और मीनाक्षी जी हमारे साथ मौजूद हैं, और अरुण शर्मा जी से हम बात कर रहे थे। अरुण शर्मा जी, चूँकि बीच में इंडिया और इंग्लैंड का मैच था इस वजह से हमें वहाँ पर जाना पड़ा, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस से भ्रष्टाचार पर पूरी तरीके से रोक लगाया जा सकता है? देखिए, आपके पास कोई हथियार तो होना चाहिए जिसमें आप भ्रष्टाचार की शिकायत कर सके। अभी तो आपके पास वो है ही नहीं। अब आप किसी विभाग के भ्रष्टाचार की शिकायत करेंगे मुख्यमंत्री पोर्टल पे या अधिकारियों को, अब उस शिकायत का क्या होगा भगवान मालिक है, क्योंकि मुख्यमंत्री शिकायत प्रकोष्ठ में भी शिकायत करने के बाद कई कई महीने तक वहां से फोन आते हैं कि आपकी शिकायत का निस्तारण हुआ, तो बंदा कह देता नहीं हुआ, तो उसके बाद स्थिति जस की तस है। इसलिए एक ऐसी संस्था का अस्तित्व में होना बहुत जरूरी है जहां पर जनता का विश्वास बना जा सके, और उससे उससे नौकरशाही पर और नेताओं पर भी अंकुश लगने का डर हो सके। अभी वो डर नहीं है, तो अगर वो डर नहीं होगा तो आप निर्बाध तरीके से अपने काम करेंगे। जैसे मीनाक्षी जी कह रही थी कि हर चीज में कमीशन खोरी है, तो वो निर्बाध तरीके से चलेगा क्योंकि आपको आपका डर खत्म हो गया। तो डर होना बहुत जरूरी है। अगर पुलिस विभाग की आप स्थिति देखें तो सिपाही को कोतवाल का डर होता है, एफसो का डर होता है,
कोतवाल को अपने ऊपर के अधिकारी का डर होता है, इस तरह धीरे धीरे ऊपर तक होता है, और डीजीपी को भी कहीं ना कहीं शासन का डर होता है बिल्कुल कि मेरी शिकायत शासन तक ना पहुंचने जाए। तो यहाँ तो अगर डर की स्थिति खत्म कर दी गई है तो फिर ये लोग उस तरीके से काम करते रहेंगे, और इसीलिए तमाम मामले जो शिषपाल जी बोल रहे थे, तमाम मामले चाहे वो कोई सी भर्ती के हो, तमाम मामले सामने आ रहे हैं, और इनमें जो जांच हो रही है वो भी आपको पता है कि उसकी स्थिति क्या है। बिल्कुल जी विनय जी, बिल्कुल हमारे साथ आरपी रतूड़ी जी हैं, हमारे साथ जुड़ गए, काफी देर से उनसे संपर्क टूट जा रहा था। आरपी रतूड़ी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है। मेरा सवाल ये है कि क्या लोकायुक्त की जरूरत है उत्तराखंड में? जिस तरीके से तमाम लोग पैनल में मौजूद हैं, उनका कहना है कि बिल्कुल जरूरत है पारदर्शिता के लिए, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए, आपका क्या कहना है इसको लेकर? देखिए निश्चित तौर पर विनय जी, ये लोकतंत्र में जनता का एक हथियार होता है कि जनता के पास आज तक तो सारे शायद नेटवर्क का इशू है। आरपी रतूड़ी जी, शिषपाल सिंह बिष्ट जी के पास जाएंगे। शिषपाल साहब, आपका क्या कहना है इसको लेकर, क्योंकि अब इसको लेकर क्या विपक्ष करने वाला है लोकायुक्त नियुक्ति की मांग को लेकर? देखिए विनय जी, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि लोकायुक्त तो एक बहुत लंबे समय से प्रदेश की जनता की मांग रही है, विपक्ष लगातार लोकायुक्त की यहाँ पर मांग करता रहा है, और लोकायुक्त अगर यहाँ पर होता जनता के हाथ में तो निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगता, और आज जो भ्रष्टाचार के बड़े बड़े प्रकरण सामने आ रहे हैं, ये राज्य सरकार जो है पिछले 6 सालों से भ्रष्टाचार में जो आकंठ डूबी हुई है और निरंकुश सत्ता की तरह कार्य कर रही है, जनता की कोई भी आवाज नहीं सुन रही है, विपक्ष की कोई भी आवाज नहीं सुन रही है, तो ये सारी चीजें देखने को नहीं मिलती। और जैसा मेरे बड़े भाई अरुण जी ने कहा कि सीधे जो है जनता में कोई भी होता वो भ्रष्टाचार के प्रकरणों की सीधी शिकायत कर सकता था और उसे बहुत न्याय के लिए जो है संघर्ष करना पड़ता, तो निश्चित तौर पर एक हथियार जो भारत की संसद ने, संविधान ने देश को दिया है, उसका सदुपयोग होना चाहिए, और ये जनता का एक। शिषपाल जी, कांग्रेस के प्रवक्ता होने के नाते क्या आप इस चीज की मांग करते हैं, क्या इस चीज की आप मांग करते हैं, और उसके अलावा क्या ये शीतकालीन सत्र में भी ये मुद्दा रखा जाएगा लोकपाल नियुक्ति को लेकर? निश्चित तौर पर विनय जी, कांग्रेस पार्टी तो शुरू से ही लगातार मांग कर रही है राज्य में लोकायुक्त को लागू करने के लिए। मैं पहले ही कह चुका हूं कि विधानसभा में चर्चा के बाद, विधानसभा में प्रवर समिति को सौंपे जाने के बाद, ये विधानसभा की संपत्ति के जो रूप में वहां पर संजोकर ये विधेयक रखा है, इसको वहां से उठाइए, इसकी धूल को झाड़िए और इसको लागू कीजिए, इसको जनता को सौंपिए। निश्चित तौर पर विधानसभा सत्र में हम इस सवाल को उठाएंगे और मांग करेंगे कि सरकार अपने वादे को पूरा करे 100 दिनों में। लेकिन शिषपाल जी, बात तो ये भी सामने निकल कर रही है ना कि जो पुराने पन्ने हैं, जो पुराने पन्ने हैं जिनमें धूल पड़ गई है उनको भी झाड़ा जाएगा, वो भी निश्चित तौर पर पुराने पन्ने हो या नए पन्ने हो, जिन पर भी धूल जमी हुई है, जो जनहित के मुद्दे हैं या भ्रष्टाचार के जो मुद्दे हैं, सब पर कार्रवाई होनी चाहिए और मेरे ख्याल में निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए, इसमें दलगत राजनीति से उठकर प्रदेश के हित में और जनहित में कार्य होना चाहिए। बिल्कुल शिषपाल जी, आपने बहुत सही बात कही, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमें भ्रष्टाचार को खत्म करने की मुहिम उठानी चाहिए। हमारे साथ आरपी रतूड़ी साहब जुड़े हुए हैं। आरपी रतूड़ी साहब, अगर आपकी आवाज आ रही हो तो प्लीज आप बताइए कि क्या इस पर आपका कहना है, जो लोकायुक्त नियुक्ति को लेकर अभी ये मुद्दा चल रहा है। रतूड़ी साहब अनम्यूट कर लीजिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। इनके साथ तकनीकी दिक्कत है शायद आज भी नहीं। एक बार देख लेते हैं। रतूड़ी साहब, मेरी आवाज आ रही है आप तक? शायद नेटवर्क का इशू है। मीनाक्षी जी, आपका क्या कहना है? हेलो हेलो जी जी, आ रही है, बोलिए। मेरा ये कहना है, निश्चित तौर पर लोकतंत्र में ये एक जनता का हथियार था जो भ्रष्टाचार की शिकायतें कर सकता है। सरकारें तो आप देख ही रहे हैं कि दूध की रखवाली में बिल्ली बिठा रखी है। आप क्या हो रहा है उनका, जो जांचें हो रही है किसकी जांच करेंगे? एक भी आदमी, कांग्रेस 56
आरोप लगाती है, वो कहती है 65 घपले हुए, पर ये सारी जिंदगी 20 साल की 22 साल का उत्तराखंड हो गया, न 65 घोटाले में कोई अंदर गया, न 56 घोटाले में कोई अंदर गया। और वर्तमान में तो आप देख रहे हैं कि यूके एसएससी के नाम पर ये अंदर बंद करते हैं, हाईकोर्ट इनको छोड़ देती, क्योंकि जांच में इतनी कमियां हैं कि कोई हथियार ही नहीं है। जनता का हथियार था लोकपाल, लोकायुक्त, लेकिन उस हथियार को जनता तक देंगे नहीं ना, क्योंकि सत्ता की भूख तो ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स पे है। जनता को जिससे मर्जी उसे दुखी कर दो, जनता पर सबसे बड़ा ये दुर्भाग्य हो गया कि वो जाए तो जाए कहां, किस पे जांच करने जाए। आज इतने घोटाले हैं, अभी NH-74 का क्या रिजल्ट निकला, अभी तक कुछ नहीं हुआ। ये आपका सहकारिता में भ्रष्टाचार इतना लंबा हुआ, अभी तक कुछ नहीं निकला। यूके एसएससी का रिजल्ट आप देख रहे हैं, छोटी छोटी मछलियों को पकड़ करके बड़े मगरमच्छ आराम से घूम रहे हैं, उन पर कुछ नहीं हुआ। आप विधानसभा घोटाले को देखो, आप क्या हुआ, हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं ये ठीक है, तो क्या जांच हुई हो? ये केवल लिपापोती का काम करने का काम किया। अगर लोकायुक्त होता तो निश्चित तौर पर बहुत सारे उन पर, वो जो लोग कह रहे हैं कि बिना नाखून का शेर है, पर शेर की दहाड़ भी एक बहुत भयानक होती है। और आज ये देख लीजिए कि जब प्रदेश में सत्ता जिस पार्टी की है, उसका प्रदेश अध्यक्ष अगर इसकी स्वीकार्यता चाह रहा है कि लोकायुक्त होना चाहिए, इसका मतलब वो भी अंदर से इस भ्रष्टाचार से आहत है, वो भी डिमांड करने लग गए। लेकिन सरकार क्योंकि सत्ता के नशे में चूर है, वो क्यों जनता की चिंता करेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल रतुड़ी साहब, बिल्कुल आप आपके पास आएंगे। मीनाक्षी जी क्या कहना है आपको, कि आखिर ये सवाल ये भी आया था, अरुण जी ने कहा था कि आखिर बिल्ली के गले में घंटी कौन टांगेगा। बिल्ली एक्चुअली सारे के सारे खुद ही बिल्ली है ना यहाँ पे। अगर हम बात करें कि जो भाजपा सरकार है वो बड़े बड़े जुमले लेके आई थी जब चुनाव में आई थी 2014 के, तो इन्होंने बात की भ्रष्टाचार मुक्त हम उत्तराखंड करेंगे, जीरो टॉलरेंस होगा, पारदर्शिता होगी, तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी। तो जनता ने भी उनपे कहीं ना कहीं विश्वास किया था कि वाकई कांग्रेस के राज में काफी घोटाले हुए थे, काफी लोग परेशान थे, तो उन लोगों ने विश्वास करके भाजपा को लोकायुक्त की नियुक्ति के बेस पे उस समय जिताया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आप देखेंगे धीरे धीरे अगर हिस्ट्री हम देखें तो कांग्रेस के सारे विधायक जो है वो भाजपा में चले गए। तो अब क्या है, भाजपा तो भाजपा रही नहीं ना, उसके अंदर तो लोग वही हैं जो लोग नहीं चाहते कि लोकायुक्त आए, तो जो घोटाले कर रहे हैं वो लोग जाके भाजपा में जाके सम्मिलित हो गए, तो अब तो भाजपा और कांग्रेस मिक्स हो गई। तो कहीं ना कहीं ये जो स्थिति बनी, इसका भी एक कारण है कि भाजपा ने दोबारा कभी लोकायुक्त की बात ही नहीं की। मीनाक्षी जी लेकिन प्रदेश अध्यक्ष तो बात कर रहे हैं ना उसको लेकर। हाँ बिल्कुल वही मैं कह रही हूँ, आज फिर से देखिए वही हुआ। 2014 में पहले इसका शगुफा छोड़ा गया, उसके बाद 2019 के चुनाव में फिर शगुफा छोड़ा गया, और आप फिर आप देखेंगे कि ये दोबारा से उस लोकायुक्त की बात छेड़ने लगे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि चाहे इनके अंदर के लोग हो, इनके सत्ता में बैठे हुए लोग हो या विपक्ष हो, जो भी मजबूत विपक्ष है, ये लोग कभी भी नहीं ना लोकायुक्त को आने देंगे और ना कभी भी कोशिश करेंगे कि लोकायुक्त किन्हीं भी कारणों से इसकी नियुक्ति हो। दूसरी चीज हम ये बात कर रहे हैं कि यदि आपको लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं करनी है तो सबसे पहले ये हिसाब दीजिए कि इतना खर्चा लोकायुक्त में क्यों कर रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि कई करोड़ जो है इसके लोकायुक्त का जो बनाया गया है यहाँ पे ऑफिस, उसपे कई करोड़ों का खर्चा आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हम जो पैसे की बंदर बांट करने का एक तरीका बनाया हुआ है, और ये जो शगुफा आज फिर से छोड़ा जा रहा है, देखिए जनता क्या होती है, जनता को समझ में आने लगा है कि ये सिर्फ जुमलेबाजी है, चाहे वो जीरो टॉलरेंस की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार मुक्त की बात हो, चाहे मतलब बेहतर स्वास्थ्य शिक्षा, चाहे ये कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले, ये सारी अब बातें हैं, लेकिन इनको लगता है कि भ्रष्टाचार से जनता तो त्रस्त है ही, यूके SSSC हो, चाहे ये सब इन्हीं के राज में हो रहा है,
ये इन्हीं का तो अभी शासन चल रहा है, इन्हीं के राज में ये सारी चीजें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं जनता को बरगलाने के लिए ये एक बार फिर से वही लोकायुक्त वाला शिगुफा छोड़ रहे हैं। बिल्कुल अरुण शर्मा जी, सवाल ये है, जैसा कि शीशपाल जी ने कहा कि मैंने भी उनसे बोला कि भाई पुराने पन्ने में धूल जमी वो भी झाड़ा जाएगा, तो उन्होंने कहा बिल्कुल ये जो दलगत राजनीति इससे बाहर निकलना चाहिए। दूसरी बात, क्या लोकायुक्त आने के बाद सरकार, एक भी ये भी सवाल है कि क्या भ्रष्टाचार रोकने में सरकार नाकाम हो रही है, लोकायुक्त से इसका समाधान हो जाएगा? देखिए, ये कहना तो गलत है कि सरकार नाकाम हो रही है, सरकार के पास तो बहुत सारे हथियार हैं। बिल्कुल। अब अगर UK SSSC में 42 लोगों को बंद किया था तो वो भी तो हथियार था। बिल्कुल। तो और या NS-74 की बात रतुड़ी साहब ने की, तो NS-74 में भी बहुत सारे अधिकारी बंद हुए थे, लेकिन वो ठीक है कि वो सब बाहर आ गए जमानत पे, लेकिन बंद तो हुए थे, तो हथियार तो बहुत सारे हैं। लेकिन सवाल इसी चीज का है कि आप कितनी साफ नीयत से उस जांच को कर पाते हैं, आप जो जांच करने वाले अधिकारी हैं उनको क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं? अगर उनको इंस्ट्रक्शन दिए गए होते ढंग से तो ये लोग बाहर नहीं आ पाते, फिर वो पैरवी ढंग से होती, तो ये सारी चीजें हैं अपने आप में सवाल खड़े करती है सारी चीजें। और तमाम पैनलिस्ट बैठे हैं, ये खुद डिसाइड कर लें, ये भी अंदर से जानते हैं सारी चीजें, भले ही कांग्रेस के प्रवक्ता बोल नहीं पा रहे हैं, बीजेपी तो है नहीं, अगर होते तो सरकार का रुख भी सामने आता। और रतुड़ी जी भी अभी हाल तक तो बीजेपी कांग्रेस में ही थे, अभी आम आदमी पार्टी में आए हैं, तो रतुड़ी जी भी सारी स्थिति जानते हैं, पुराने नेता है, बुजुर्ग नेता है। रतुड़ी जी ने तो उत्तर प्रदेश के जमाने से और उत्तराखंड तक सारा सफर तय करते हुए देखा है सरकारों को, तो ये सब जानते हैं। और कोई भी जब सरकार होती है तो जब सरकार की पार्टी का काम होता है वो सरकार के भरोसे ही चलता है। बिल्कुल। तो गलत बोल रहा हूँ शीशपाल भाई? शीशपाल जी क्या कहना चाहते हैं? अरुण जी, आप अरुण जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हैं जी, बड़े भाई हैं हमारे, पूछना भी पड़ता है। तो देखिए, वो पूरी की पूरी पार्टी भी चलानी पड़ती है, और वो तमाम लोग चलाते हैं, चाहे वो कांग्रेस के लोग हो या बीजेपी के लोग हो, है ना। कांग्रेस के जब सरकार थी तो तिवारी जी के टाइम पे कौन कौन लोग ये काम करते थे, या हरीश रावत जी के टाइम पे कौन करते थे, या विजय बहुगुणा जी के टाइम पे कौन करते थे, वो सब जानते हैं। और ऐसी स्थिति खंडूड़ी जी के टाइम पे कौन करता था, या निशंक जी के टाइम पे कौन करता था, या उसके बाद किसने किया, ये भी सब जानते हैं, क्योंकि ये एक सिस्टम है, और सिस्टम में ये चीजें उन्हीं लोगों को। धामी जी का भी नाम ले लो, धामी जी का भी नाम बता। मैं तमाम लोगों का ले रहा हूं, उसमें सबको शामिल कर रहा हूं। और देखिए, ईमानदार वही होता है राजनीति में जो सिस्टम के हिसाब से चलता है, सिस्टम के बाहर जाके जो गला पकड़ने का काम करता है वो बेईमान कहलाता है, ये सबको पता है। तो मैं फिर कह रहा हूं कि क्योंकि सबको अपने फंसने का डर है, चाहे वो भी भाजपा हो या कांग्रेस, कोई लोकायुक्त को ईमानदारी से इस राज्य में नहीं नियुक्त कर रहे हैं, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो या कांग्रेस की, लोकायुक्त नियुक्त नहीं किया। खंडूड़ी जी ने किया था क्योंकि खंडूड़ी जी की छवि अलग थी, लेकिन खंडूड़ी जी के यहां भी एक सिस्टम काम करता था, ये आपको भी पता है। शीशपाल जी कुछ कहना चाहते हैं, अरुण जी आएंगे आपके पास, शीशपाल जी बोलिए। जी जी, देखिए विनय जी, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड शुरू से क्लियर रहा है, और हम लगातार, जैसे मैंने भी पहले भी डिबेट में कहा है कि राज्य में अगर सरकार ईमानदार है अपने चुनावी वादे को पूरा करने के बाद, उन्होंने 100 दिन में अगर लोकायुक्त इस प्रदेश को नहीं दिया, हम कह रहे हैं अब 6 साल बाद ही आप ईमानदारी के साथ प्रदेश की जनता को जो है लोकायुक्त सौंप दीजिए। और जो प्रदेश के अंदर आज जो भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है, जो आज अखंड भ्रष्टाचार में सारे विभाग डूबे हुए, और सरकार के मंत्रियों पर जो है भ्रष्टाचार के सीधे सीधे आरोप है, आप देखिए सरकार के लगभग सभी मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप हैं। आप सरकार की ईमानदारी देख लीजिए कि कोई भी जो है मुख्यमंत्री किसी भी मंत्री से इस्तीफा लेने की हिम्मत नहीं उठा पा रहे हैं, चाहे वो बैकडोर भर्ती का मामला हो, चाहे वो सहकारिता भर्ती का मामला हो, चाहे आप UK SSSC में भर्ती का मामला हो, चाहे वो उच्च शिक्षा में भर्तियों का मामला हो, चाहे वो आज
तमाम निर्माण कार्यों में जो है गुणवत्ता का सवाल हो, चाहे वो कमीशनखोरी का सवाल हो, तो भ्रष्टाचार जो है चरम पर है आज यहाँ पर। कानून व्यवस्था इनसे नहीं संभल रही है, तो ऐसे में है कि सरकार ठोस निर्णय ले। और डर किस बात का है जब आप अपने को ट्रिपल इंजन की सरकार कह ही रहे हैं, भले ही वो एक इंजन की भी सरकार नहीं है, ये तो सिद्ध हो चुका है, बिल्कुल खटारा सरकार है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो आप दीजिए ना प्रदेश की जनता को। आपको कौन रोक रहा है लोकायुक्त देने के लिए? भैया आप जीरो टॉलरेंस केवल जुमलों में ही कहेंगे, बयानबाजियों में जीरो टॉलरेंस होगा? जीरो टॉलरेंस धरती जमीन पर दिखाई देना चाहिए, धरातल पर दिखाई देना चाहिए। वो ना मीडिया को दिखाई दे रहा है, ना विपक्ष को दिखाई दे रहा है, ना जनता को दिखाई दे रहा है, तो निष्पक्षता कहां से आएगी? निष्पक्षता के लिए कि आप ईमानदारी से प्रदेश की जनता में अपना विश्वास बहाल करने के लिए जो धूल फांक रहा है विधानसभा में ये लोकायुक्त विधेयक, उसकी धूल झाड़िए और उसको लागू कीजिए। ये हम भी देखते हैं कि आप लागू कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं विनय जी। बिल्कुल बिल्कुल, रतुड़ी साहब कुछ कहना चाहते हैं कम शब्दों में, क्योंकि हमारे पास अब समय का अभाव है। मेरा तो कहना यह है विनय साहब कि ये सत्ता के जो पार्टी सत्ता देखी है, ये नूराकुश्ती कर रही है जी। जनता का विश्वास अब इस भरोसे से केवल एक, इसलिए उनका ध्यान लोकायुक्त पर है, क्योंकि ये बिल्कुल बिल्कुल। रतुड़ी साहब यहाँ पर रोकना चाहूंगा क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, और आपने सही कहा कि जनता को भी इसकी जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का देवभूमि के दंगल में हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातें रखने के लिए। तो देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे, उत्तराखंड में लोकायुक्त की लगातार मांग की जा रही है, और लोगों का कहना है, विपक्ष का भी ये कहना है कि अगर लोकायुक्त की नियुक्ति होती है तो इससे भ्रष्टाचार पर रोक लगेगा और पारदर्शिता देखने को मिलेगी। फिलहाल देवभूमि के दंगल में भी के लिए इतना ही, देखते रहिए के न्यूज इंडिया, और मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान, राजश्री इलायची, दशन का जशन।